हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सबको चैम से की। आइए हम आज की एक और वीडियो को देखते हैं और आप सबको हैप्पी संडे। और आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है और बहुत ही खुशी की बात है। और आप लोगों को भी पता होगा कि आज जो कि फादर्स डे है और इस फादर्स डे पर हमने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की और हमें हमारा जो कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो स्पिरिचुअल फादर हैं पास्टर अंकुर यूसुफ जी, उनको लेकर हमने उनके लिए एक वीडियो बनाई है। और आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छे जो कि परमेश्वर के दास हैं हमारे स्पिरिचुअल फादर दिए, हमारे अबुए दिए। और जब ये वीडियो, मेरा विश्वास है कि हमारे स्पिरिचुअल फादर जी तक जाएगी और जो इस वीडियो को वो देखेंगे, तो मैं उनको पूरे दिल से हैप्पी फादर्स डे कहती हूँ, उनको विश करती हूँ। और मैं परमेश्वर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ कि परमेश्वर ने इतने अच्छे दास को ठहराया, परमेश्वर ने इतने अच्छे अगुए को ठहराया जो हमें इतनी अच्छी गाइडेंस देते हैं, इतनी अच्छी टीचिंग देते हैं। और इतनी अच्छी टीचिंग को लेकर, इतनी अच्छी ब्लेसिंग को लेकर हम लोगों ने इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग को पाया, हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आप सब लोग भी हमारे स्पिरिचुअल फादर को विशिंग देंगे, इनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इन्हें संभाल कर रखे, परमेश्वर इनकी फैमिली को संभाल कर रखे। क्योंकि अगर हमारे स्पिरिचुअल फादर जी हमारे लिए रोज़ प्रार्थना कर सकते हैं, दिन रात जाकर हमारे लिए प्रेस कर सकते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज है कि हम भी इनके लिए प्रार्थना करें, इनके बढ़ने के लिए प्रार्थना करें, इनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे जो कि हमारे स्पिरिचुअल फादर दिए और बहुत ज़्यादा अनॉइंटिंग हमारे स्पिरिचुअल फादर दिए। और आप लोगों को पता ही है कि वो हमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और हमारे लिए दिन रात प्रभु के आगे घुटने देखते हैं, हालेलुया। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस फादर्स डे में बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि कल संडे है और कल संडे के दिन चर्च में ही हम अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ फादर्स डे मनाएंगे। और आप लोग भी जो जो चर्च के साथ जुड़ा हुआ है, जो जो हमारे स्पिरिचुअल फादर को अपने स्पिरिचुअल सब फादर मानते हैं, जिन्होंने हमारे स्पिरिचुअल फादर के टीचिंग को सुनते हैं, जो स्पिरिचुअल फादर के वचनों को सुनते हैं, उस चर्च को अटेंड करते हैं, आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि कल आप अपने स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर यूसुफ नौलाजी के साथ फादर्स डे मनाएंगे, हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें बहुत ज़्यादा ब्लेस किया और परमेश्वर ने हमें जो कि हमारे फिजिकल, हमारे शारीरिक पिता है जिन्होंने हमें जन्म दिया, उन्हें भी हमारे साथ हमें दिया कि वो हमें इस दुनिया में लेकर आए और हमने परमेश्वर के नाम को महिमा मिली। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है कि तुम लोग अपने माता पिता का आज्ञा करो, माता पिता की इज्जत करो। और वैसे ही आप लोग भी अपने माता पिता की इज्जत करिए, उनकी आज्ञाओं को मानिए। और जैसे हमारे आत्मिक पिता के बारे में लिखा है, वैसे हमारे फिजिकल पिता जी के बारे में भी लिखा गया और आत्मिक पिता बारे में भी लिखा गया कि अपने अगुए की रिस्पेक्ट करो, उसके वचनों को सुनो, जो आपको वो कहे उनकी बातों को सुनो, हालेलुया। और ऐसे ही हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि परमेश्वर ने हमें दो पिताओं के साथ, दो दो फादर के साथ ब्लेस किया है और बहुत ज़्यादा जो कि अनॉइंटिंग हमारे स्पिरिचुअल फादर दिए, हमें दो दो फादर दिए, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जो हमें इस दुनिया में लेकर आए, जिन्होंने परमेश्वर ने जिनके लिए हमारे ठहराया, परमेश्वर उनके ज़रिए हमें इस दुनिया में लेकर आए, परमेश्वर ने उनके ज़रिए हमें यहाँ उत्पन्न किया। और एक हमारे स्पिरिचुअल फादर, आत्मिक फादर, जिनके द्वारा परमेश्वर ने हमें बहुत ज़्यादा वचनों की गाइडनेस दवाई, परमेश्वर ने स्वर्ग के राज्य के बारे में उनके द्वारा हमें सब ज्ञान दवाया कि हम कैसे परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं और हमारा क्या काम है। जबकि परमेश्वर ने हमें धरती पर भेजा, परमेश्वर ने हमारा जन्म इस धरती पर करवाया, तो हम इस धरती पर आकर परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं और किस जरिए हमें परमेश्वर ने जन्म दिया, इस धरती पर लेकर आया, हालेलुया। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस फादर्स डे में हमारे जो अंकुर रमनिष्ठी का पेज है, उन्होंने भी हमारे साथ शेयर किया है कि आज फादर्स डे है और आप लोग सब हमारे स्पिरिचुअल फादर को, अपने फिजिकल फादर को, सब लोग विश करें, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन के, उनको जो भी आप कर सकते हैं, जो भी गिफ्ट दे सकते हैं, वो आप गिफ्ट के साथ अपने फादर
फादर को मिले, अपने फादर की रिस्पेक्ट करे, हालेलुया। और जैसे कि टीम ने हमारे साथ शेयर किया, वहाँ लिखा गया है, और जो बुद्धिमान है वह आकाश के तेज के समान चमकेगा, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वह जो गरजों के तारों के समान है। दानियल 12:3 में लिखा, हमें यह अपर परमेश्वर का भारी उपकार है कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर के एक पवित्र जन का एक आदर्श उदाहरण मिला है। यह सच में है हो गया है कि पिता पक्ष है, जैसा कि हमारे जीवन में भगवान द्वारा आपको प्राप्त करने के बाद हमें वास्तव में तूफानी परिस्थितियों के ऊपर आकाश में ऊंची उड़ान भरना सीखा। पिता हमने पौलुस, एलिया, शमूएल और पत्रस के बारे में पढ़ा तो सुना है, लेकिन ये परमेश्वर की आशीषों की बशोर है कि हमारे पास ऐसे लिखित उदाहरणों का एक वापरिक प्रतिमान है। हम वास्तव में अपने जीवन में आपके द्वारा स्वर्ग से गहरे रहदोघाटक और परमेश्वर की इच्छा प्राप्त करने के लिए धन्य हैं। हमारे जीवन का एक भी कोना ऐसा नहीं जो आपसे परमेश्वर का स्वर्गीय वचन प्राप्त करने के बाद अवरित रहा हो। आदरणीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का शुद्ध शक्ति हाथ आप पर बना रहे और दिन्य गति आपका पीछा करती रहे। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर द्वारा आपको दिए गए सभी दर्शन जल्द से जल्द पूरे हों, और परमेश्वर सशक्तिमान परमेश्वर की जो भी कृपा है आपके चेहरे पर चमकती रहे, हालेलुया। और जैसे कि इन्होंने हमारे साथ शेयर किया है कि जो बुद्धिमान होते हैं, जो परमेश्वर की बुद्धि से भरपूर होते हैं और बहुत जने को परमेश्वर के ज्ञान सिखाते हैं, बहुत जने को परमेश्वर के वचन की ओर लेकर चलते हैं, वो धन्य होते हैं, वो हमेशा ही चमकते रहते हैं। बाइबल भी हमें बताती है कि जो हमें परमेश्वर की बातें बताते हैं, जो हमें परमेश्वर के वचन को लेकर गाइडेंस करते हैं, परमेश्वर के वचन को आगे लेकर जाते हैं और बहुतायत के लोगों को वचन सुनाते हैं, वो हमेशा ही चमकते रहेंगे। और इन्होंने भी परमेश्वर के दास जो कि परमेश्वर ने खड़े किए, उनके लिए शुभकामनाएं दी हैं, उनके लिए प्रार्थना की है कि परमेश्वर इन्हें हमेशा ही चमकाता रहे। परमेश्वर ने जो भी दर्शन हमारे स्पिरिचुअल फादर को दिखाए हैं वो जल्द से जल्द पूरे हो, और परमेश्वर की महिमा हमारे स्पिरिचुअल फादर के जरिए हो। हमारे स्पिरिचुअल फादर परमेश्वर की बहुत ज़्यादा महिमा करे, और परमेश्वर चाहता है कि जब तुम मेरी महिमा करते हो तो वो हमारी महिमा करते हैं। ऐसे ही जब हमारे स्पिरिचुअल फादर जी परमेश्वर की महिमा करें तो उनके कामों के द्वारा हमारे स्पिरिचुअल फादर्स की महिमा हो, उनकी रिस्पेक्ट हो और दुनिया भर में उनका नाम हो कि हाँ, एक वो भी परमेश्वर के दास हैं, सच्चे दास हैं, सच्चे मैन ऑफ गॉड हैं। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। और तैयार हो जाइए आज की प्रार्थना के लिए, आज की मीटिंग के लिए, नाचने के लिए, वर्शिप करने के लिए, क्योंकि आज का दिन जो कि परमेश्वर ने बनाया है बहुत ही आनंदित वाला है, बहुत ही खुशी की वाला है, बहुत ही अनॉइंटिंग वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परमेश्वर ने ब्लेस किया हम लोगों को। परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ को हमारे बीच में डाला, और आप सब भी इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए तैयार हो जाइए। और जैसे कि हमारे स्पिरिचुअल फादर ने भी बताया है कि इन दो महीनों की मीटिंग में आप सब सेम नहीं रहेंगे, परमेश्वर का एक अलग मसा डबल ग्रेस आपको टच करेगी। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीषित और बरकत दे, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर के नाम में बढ़ते जाएं, सुसमाचार को प्रचार करते जाएं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। और हमारी वीडियो को शेयर जरूर करा करें, क्योंकि ये भी एक सुसमाचार करने का ही तरीका है, क्योंकि हमारे स्पिरिचुअल वाले ने बताया कि आप किसी भी तरीके परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार कर सकते हैं, और आप भी परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए हमारी वीडियो को शेयर जरूर करते जाएं।